दोस्तों आजकल फिल्में रिलीज होती है, 2 दिन 3 दिन और 5 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है उनका मेन, और दोस्तों उसके बाद वो फिल्में गायब हो जाती है, उन फिल्मों को कोई याद भी नहीं करता। लेकिन एक फिल्म आई थी 15 अगस्त को तमिल सिनेमा के अंदर जिसने भोकाल मचा रखा है, और आज 26-27 दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी फिल्म की वही चार्म और वही उस को लेके जो एक्साइटमेंट है अभी भी बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दंगलन की, और इस मूवी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों मैं इस फिल्म का रिव्यू दे चुका हूं और इस मूवी को मैं दोबारा देख के आया हूं। सच में इस फिल्म को मैं दोबारा देख के आया हूं। ये मूवी यार मतलब क्या कहूँ इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं, फिल्म के जो स्टार हैं वही इस फिल्म की जान है, और जो इसकी कहानी है दोस्तों ये दोनों का जो कॉम्बो होता है ना फिल्म के अंदर, अगर ये दोनों अगर मैच कर जाए तो दोस्तों बवाल होता है, और बवाल हो रहा है दंगलन का बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और जो दोस्तों कुछ फिल्में होती है जिनको बॉक्स ऑफिस नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, और दंगलन उसी लिस्ट में आती है। दोस्तों बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो दोस्तों कहानी फोकस करती है 1850 के टाइम, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था और उनकी एक टीम खजाना खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। और दोस्तों उनकी ये टीम एक ऐसी खदान की तलाश में थी जहाँ से सोना निकलता था, और उसी जगह से किसी किसी टाइम पर टीपू सुल्तान और चोल राज के राजा वहाँ से सोना निकालते थे। उसके बाद यार ये मूवी की कहानी फ्लैशबैक में ट्रेवल करती है, और वहाँ से ही फिल्म को लेके यार और जो कहानी होती है वो और भी ज़्यादा डीप में जाती है, और ऐसे ऐसे रहस्य और ऐसे मिस्टीरियस पॉइंट हमें नज़र आते हैं फिल्म के अंदर, जिसको देखने के बाद वाव वाव निकलता है। दोस्तों वाव निकलता है फिल्म के अंदर यार, आपको मिस्ट्री देखने को मिलेगी, रहस्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको मैजिक देखने को मिलेगा, जिस तरह से मेकर्स ने यार फिल्म के प्लॉट के साथ यार जादू को कनेक्ट किया है, जिस तरह से यार उन्होंने इस तरह की पटकथा लिखी है दोस्तों कि आप जादू और जो एक नॉर्मल इंसान है उन दोनों को साथ में चलते हुए देखोगे तो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और यार जादू भी ऐसा वैसा नहीं कि बस फिल्म के अंदर डाल दिया, एकदम ऑथेंटिक के जिस तरह से यार फिल्म की ज़रूरत थी, जिस तरह से स्टोरी की डिमांड थी, उस तरीके से यहाँ पर मैजिक को यूज़ किया है। फिल्म के अंदर यार मिस्ट्रिकल दिखाई गई है आरती, जो कि यहाँ पर मायावी होती है, और वो गाइस वहाँ पर जिस तरह से मैजिक क्रिएट करती है वो काफ़ी तगड़ा है गाइस। और दोस्तों जिस तरह से सोना निकालने की प्रोसेस उन घटनाओं को दिखाया है मेकर्स ने, वो देखने के बाद यार सच में हो गए आपके यार क्या मतलब क्या प्रोसेस है, एकदम मतलब यार रियलिस्टिक लगती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है पार रंजीत ने, और उन्होंने क्या ही बेहतरीन काम किया है, चाहे फिल्म का बीजीएम हो, फिल्म की स्टोरी हो, फिल्म के यार जो डायलॉग्स हो, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, वो इस फिल्म की जान है। मुझे पर्सनली इसके जो नाइट वाले सीन है, जो अंधेरे में जो कायदे से यार फिल्माए गए सीन है, उनको देखने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन पार रंजीत से थोड़ी सी दिक्कत है यार, उन्होंने फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा स्लो रखा यार, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी सी बोरियत लगती है फर्स्ट इंटरवल से पहले, लेकिन इंटरवल के बाद तो धमाके ही धमाके होते हैं। तो यार अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो दोस्तों चियान विक्रम भाई साहब यहाँ पर सूरज की तरह चमकते हैं इस फिल्म के अंदर, और उनका साथ देती है बखूबी पार्वती एंड मालविका मोहन, और जितनी भी बाकी स्टार कास्ट है सभी ने 100% दिया है। और कुल मिला के अगर दोस्तों अगर यहाँ पर यार किसी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अगर दिल चुराने वाली है तो दोस्तों वो है विक्रम चियान की। दोस्तों अगर यार इस फिल्म के लिए विक्रम चियान को बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो क्या फिर यार क्या मज़ा रह जाएगा यार। चाहे उनका यार ट्रांसफॉर्मेशन हो, बॉडी का यार बॉडी लैंग्वेज हो, डायलॉग बोलने का अंदाज हो, चाहे उनका यार फैमिली के साथ जिस तरह से बॉन्ड दिखाया गया है, यार बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस देखने के बाद ही मतलब यार मज़ा आ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों इस फिल्म के लिए विक्रम चियान को यार नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं दूंगा यार अपनी तरफ से इस मूवी को 4.5, जी हाँ दोस्तों 4.5 स्टार इस मूवी को। सो दोस्तों आप लोगों ने देखी है नहीं देखी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। अगले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।